हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम रागी बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा बर्तन, उसमें 2 चम्मच रागी का आटा डालेंगे। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, इसका मैं एक अलग सा वीडियो बना के डाल दूँगी आपके लिए। तो इस रागी के आटे को हमको बस भूनना, रागी जल्दी भून जाता है, इसे जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। रागी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सबसे पहले बच्चों को रागी ही दिया जाता है, इसलिए इसे अच्छे से भून लेना है। करीबन मैंने यहाँ पे इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है। रागी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए, और इसको ऐसे हिलाते ही रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है, रागी जल्दी से गाढ़ा हो जाता है इसलिए इसमें ज़्यादा पानी लगता है। अगर आप बेबी को पहली बार रागी इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसको पतला ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। अब इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया है। इसमें अब मैं डालूँगी 1 चम्मच गुड़ और अच्छे से मिलाइए। अब इसमें उबाल आने लगा है, इसमें उबाल आने के बाद इसका कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे हम। अब इसमें मैं डालूंगी काजू और बादाम का पाउडर। काजू और बादाम को मैंने हल्के से भून के उसका पाउडर बना के लिया है। काजू और बादाम का पाउडर वेट गेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच घी और मिला लेंगे, और इसको अब हमें 2 मिनट के लिए उबाल के लेना है। अगर आप अपने बच्चे को पहली बार रागी दे रहे हो तो इसको एकदम पतला रखना है और इसमें गुड़, नमक और काजू और बादाम का पाउडर नहीं डालना है। अब ये रागी बनके तैयार है, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। अब हम इस रागी को एक बाउल में निकाल लेंगे और 1 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देंगे। रागी प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं मेरे बच्चे को रागी ब्रेकफास्ट में ही दिया करती थी। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच दूध। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप इसमें ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क ऐड कीजिए। अब ये हमारा रागी बन के तैयार है। ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।